What's up guys, I hope you are all absolutely good and fine. Today in this video I am gonna show you video in text effect you can use to make your project or interview intro. So without getting further delay, let's start the video. First, you have to open Wondershare Filmora 9. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे आपको GUI दिखाया था। सो ये वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट डालने के लिए पहले आपको जो वीडियो पे आप वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट डालना चाहते हैं वो वीडियो को इंपोर्ट कर लीजिए। मैं अपने हिसाब से एक वीडियो मान लीजिए कि ये सैम्पल वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ या तो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये वीडियो को आपको टाइमलाइन में डालना पड़ेगा। मैं बेस्ट FPS में डालता हूँ। The next step is go to tiles and select a tiles according to your wish. मैं अपनी तरफ से एक अच्छा टाइल सिलेक्ट करता हूँ जो कि अच्छा लगे ये इफेक्ट को देखने के लिए। तो मैं टाइल 41 करता हूँ और ड्रैग करके टाइमलाइन में डाल देता हूँ। मैं अपने हिसाब से टाइल को ड्रैग करके अपने वीडियो की सेम ड्यूरेशन में कर देता हूँ। आप अपनी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेप होगा टाइल में डबल क्लिक करिए और एडवांस में जाइए। यहाँ पर मैं अपनी तरह से अपना टेक्स्ट टाइप करता हूँ। मान लीजिए कि नेचर। आप अपनी तरह से फॉन्ट साइज और फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ऐसा फॉन्ट सिलेक्ट करूँगा कि दिखने में अच्छा लगे ये इफेक्ट को। थोड़ा बोल्ड हो सके ऐसा कोशिश कीजिएगा बिकॉज उसके अंदर ही आपका वीडियो आएगा। तो मैं ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से तो मैं ये क्लिक कर लेता हूँ और साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ 270 कर लेता हूँ। यस, दिस इज़ परफेक्टली मैच्ड। एंड एनिमेशन में जाके मैं टाइपराइटर सिलेक्ट करता हूँ। आप प्ले करके एक बार देख लीजिएगा कि कैसा है। यस, दिस इज़ परफेक्टली मैच्ड। उसके बाद आप ओके में क्लिक करिए और इसको मिडिल में सिलेक्ट करिए। दिस इज़ द मिडिल। उसके बाद आप जो वीडियो टाइमलाइन में डाले थे वो टाइमलाइन से वीडियो को हटा दीजिए और ये टाइल में जो डाला था ये मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा बिकॉज इसको मैं सेकेंड लेयर मान के डाल रहा हूँ। सो गो टू द एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन द सेटिंग, click on best quality and click on 60 fps, okay, and click on to the export. एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एक्सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस। सो आप लोग देख रहे हैं कि 100% मेरा एक्सपोर्ट हो गया। मैं क्लोज करूंगा और जो फाइल एक्सपोर्ट हुआ है उसको मैं डाल लूँगा या तो इंपोर्ट करूँगा। आई थिंक दिस इज़ द फाइल आई रिसेंटली एक्सपोर्टेड। सो टाइल में क्लिक करिए और टाइल में क्लिक करने के बाद उसको रिमूव करिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो वीडियो पर आप ये इफेक्ट डालना चाहते हो वो वीडियो को टाइमलाइन में डाल दीजिए मैक्सिमम FPS में। और जो वीडियो को आप अभी एक्सपोर्ट किए हो वो एक्सपोर्ट वीडियो को उसके ऊपर सेकेंड लेयर में डाल दीजिए। अब आपका क्या होगा, ये जो आपने सेकेंड लेयर में जो वीडियो डाले थे वो वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और वीडियोस में जाके कंपोजिंग में जाइए। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में जाके You see that there is an option that is blending mode. आप blending mode को क्लिक कीजिए। इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि डार्क एन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप मल्टीप्लाई में क्लिक कीजिए एंड ओके में क्लिक कीजिए। दैट्स डन। आप प्ले कीजिए। हुआ ना वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट। कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके नीचे बताइएगा ज़रूर। आप अपने हिसाब के वीडियो को थोड़ा कलरफुल भी कर सकते हो। इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, कलर में जाइए, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाइए, सैचुरेशन भी थोड़ा बढ़ा दीजिए और ब्राइटनेस दीजिए। यह हो गया आपका वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट। मैं और एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद आप एक्सपोर्ट में जाइए और अपने हाईएस्ट सेटिंग में 60 fps में एक्सपोर्ट कीजिए। सो एक्सपोर्ट करने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये आप किसी भी तरह से प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के शुरू होने से पहले या तो टेक्स्ट इफेक्ट डालने से पहले या तो ट्रैवल वीडियोस में भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस गोना गिव यू अमेजिंग इफेक्ट टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ कोई नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल ओनली सिनेमैटिक। सी समथिंग सिनेमैटिक, सी समथिंग न्यू। टाटा।